तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करते हैं रेलवे की भर्ती के बारे में। जो रेलवे में एक भर्ती निकली हुई है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी सब वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसा कि बात करते हैं रेलवे में बिना परीक्षा 8वीं व 10वीं पास के लिए 3000 पदों पर भर्ती RRB ग्रुप डी भर्ती में होगा फ़ायदा। यानी कि जो रेलवे है बिना परीक्षा के भर्ती कराने जा रहा है तो 10वीं और 12वीं पास वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ा मौका होने वाला है। जैसा कि बात करते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट 2022, ईस्टर्न रेलवे RRC ने अप्रेंटिस के 2972 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 11 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई 2022 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार RRC की आधिकारिक वेबसाइट RRCER.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इन अप्रेंटिस पदों के लिए परीक्षा नहीं देनी होगी, मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। 8वीं व 10वीं कक्षा पास और ITI कोर्स करने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। आगे बात करते हैं रेलवे इंटर्नशिप के जरिए युवाओं को रोज़गार का मौका हर साल देता है। रेलवे ITI करने वाले युवाओं को दक्ष बनाता है। साल भर प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह स्टाइपेंट भी मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भविष्य में रेलवे में निकलने वाले ग्रुप DC भर्ती में प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। मौजूदा रेलवे ग्रुप डी भर्ती 1.03 लाख पद में चल रही है। मैं भी रेलवे प्रतिष्ठानों में ट्रेनिंग लेने वाले अप्रेंटाइंस अभ्यर्थियों को ग्रुप डी लेवल फर्स्ट भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा PAT से छूट दी जा रही है। रेलवे प्रतिष्ठानों में परीक्षण प्राप्त अप्रेंटिस युवाओं को CBT आयोजित होने के बाद फाइनल मेरिट बनाते समय वेटेज दिया जाएगा। आगे बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जो हावड़ा डिवीज़न है उसमें 659 पद हैं। लेलुआ डिवीज़न है 612 पद हैं। सियालदह डिवीज़न है 297 पद हैं। कासरापाड़ा डिवीज़न 187 पद हैं। मालदा डिवीज़न 138 पद हैं। आगे बात करते हैं आसनसोल डिवीज़न में 412 पद हैं। जमालपुर डिवीज़न में 667 पद हैं। और जो आपकी योग्यता है, जो आप योग्यता मांगी गई है इसमें, वो योग्यता है आपकी कम से कम 50% 10वीं पास एवं संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं इन पदों के लिए 8वीं पास में संबंधित ट्रेड में ITI है योग्यता। ITI इन जो दिए हैं आपके जो भर्ती में जो भाग बांटे गए हैं, जो पद दिए हैं उनमें ITI मांगी गई है। तो वो कौन कौन से हैं उन्हें जान लेते हैं। जो वेल्डर होते हैं गैस और बिजली इलेक्ट्रिक वाले, उनके लिए सीट मेटल वर्कर के लिए, लाइन मैन के लिए, वायर मैन के लिए, पढ़ाई और पेंटर्स, इनके लिए ITI मांगा गया है। आगे बात करते हैं आयु सीमा। जो आपकी आयु सीमा होने वाली है न्यूनतम 15 और अधिकतम 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि आपकी आयु 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा OBC वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है। SC ST वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और विकलांगों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि आपकी 15 से 24 मांगी है, 24 के बाद जो छूट दी है उसे आप जोड़ सकते हो। उसके बाद जो भी बनती है, जैसे 24 से OBC की 3 वर्ष है 27 वर्ष हो जाएगी, SC ST की 5 वर्ष की छूट है तो 24 से 5 29 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी उम्र मांगी गई है। और जो विकलांग है उनकी 10 वर्ष यानी 34 वर्ष तक मांगा गया। आगे बात करते हैं नियमानुसार दिया जाएगा, यानी किस नियम के अनुसार ये भर्ती होने वाली है, तो इसके बारे में बात करें। यह भर्ती 10वीं कक्षा व ITI के मार्क्स के आधार पर होगी। इन मार्क्स के आधार पर एक मेरिट बनेगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। जिन पदों के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है उनकी मेरिट में 50% वेटेज 10वीं के मार्क्स व ITI के मार्क को दिया जाएगा। जबकि जिन पदों के लिए 8वीं पास की योग्यता मांगी गई है उनमें 8वीं व ITI के औसत अंक लिए जाएंगे। आगे बात करते हैं आवेदन फीस। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC ST और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क इसमें देनी नहीं होगी। तो इस प्रकार से रेलवे ने भर्ती निकाली है। अगर आप
इच्छुक हो तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हो। अगर कोई नई सूचना आएगी तो वो भी आपको बता दी जाएगी। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।